नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइंस और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी इस चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक बढ़िया सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाऊँगा। आज का प्लान जो है 30 फीट बाय 40 फीट का है और साउथ फेसिंग हाउस प्लान है। उस प्लान में हमने कार पार्किंग भी दी है और वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। तो आज का प्लान अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और वह वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वो प्लान जो आज हमने आपके लिए लाया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 30 फीट बाय 40 फीट का पूरा प्लॉट का साइज़ है, जिसमें 40 फीट जो हमारी लेंथ है और 30 फीट जो हमारी विड्थ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में हमारा रोड है और ये जो रोड है हमारा दक्षिण की दिशा में है, मतलब साउथ फेस में है। लेकिन वास्तु के हिसाब से साउथ फेस में मेन डोर नहीं करते हैं, इसलिए हमने लिविंग रूम का डोर जो है ईस्ट फेस में किया है, मतलब पूरब की दिशा में किया है। और साउथ ईस्ट में किचन लेते हैं वास्तु के हिसाब से, तो यहाँ पर हमने साउथ ईस्ट के कॉर्नर में किचन देने की कोशिश की है। तो देखिए यहाँ पर मेन रोड रहेगा, यहाँ से एंट्री करेंगे तो पार्किंग के लिए जगह मिलती है लगभग 13 फीट 9 इंच, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेयर के ऊपर चली जाएगी तो इसके नीचे तक हम कार पार्क कर सकते हैं। तो स्टेयर के जो है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 फीट की जगह छोड़ी है वेंटिलेशन के हिसाब से। इसके बाद में यहाँ पर ओपन डक्ट रखा गया है वेंटिलेशन के हिसाब से। पीछे के साइड में बेडरूम के पीछे जो है लगभग 3 फीट की जगह छोड़ी गई है वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने 3 फीट का ऑफसेट छोड़ा है वेंटिलेशन के हिसाब से। तो इसका भी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। देखिए आउटर वॉल जो हमने 9 इंच के लिए है और इनर वॉल जो है 4 इंच के लिए है, मतलब बाहर की वॉल जो है दीवार जो है 9 इंच की और अंदर की दीवार जो है 4 इंच की। यहाँ पर मेन डोर रहेगा, कार पार्किंग रहेगी, उसके बाद में ये स्टेप चढ़ के इस वरंडे पर पहुँच जाएंगे। ये जो वरंडा रहेगा हमारा प्लिंथ लेवल से 4 इंच नीचे लेते हैं, लेकिन 4 से 6 इंच भी हम नीचे ले सकते हैं, मतलब ये स्टेप जो है हम नीचे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप दिया है हमने इस वरांडे पर पहुँचने के लिए, और यहाँ से एंट्री कर सकते हैं हमारे लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम में एंट्री करने से पहले हम स्टेयर केस यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ से हमने सीढ़ी स्टार्ट की है, यहाँ से मतलब इस वरांडे से, तो यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है। तो जैसे जैसे स्टेयर्स ऊपर चल जाती है, देखिए 10-10 इंच का हमारा जो है विड्थ रहता है इस स्टेप्स का, ठीक है, मतलब यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक 3 फीट, ठीक है, मतलब 10 इंच जो है विड्थ है और 3 फीट जो हमारी लेंथ है, तो इसे हम ट्रेड भी कहते हैं। और जो अप साइड रहता है, मतलब 7 इंच का हम लेते हैं या 6 इंच का लेते हैं, वो रहता है राइजर, ठीक है, मतलब राइजर और ट्रेड। लेकिन हमारे राइजर जो है हमारे इसमें नहीं दिख सकता क्योंकि टॉप व्यू है, इसलिए हमारे यहाँ पर ट्रेड दिखेंगे। तो ये 10-10 इंच के लिए गए हैं। तो देखिए यहाँ से हमने स्टेयर स्टार्ट की है, देखिए आप देख सकते हैं ये स्टेप चढ़ के, यहाँ से ये स्टेप रहेगी हमारी 7 इंच इस वरांडे से ऊपर चल जाएगी, उसके बाद में इस स्टेप से ये 7 इंच फिर से ऊपर चल जाएगी, उसके बाद में ये स्टेप से ये 7 इंच फिर से ऊपर चल जाएगी। तो ऐसे ऐसे 7-7 इंच करके हम ये पूरे ऊपर चल जाएंगे, तो यहाँ पर हमारी लैंडिंग रहेगी लगभग 6 फीट की यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मतलब ये स्टेयर के जो है काफ़ी ऊपर चली जाएगी इस वरांडे से। तो ये वरांडा जो है लगभग प्लिंथ लेवल से 4 इंच से 6 इंच नीचे रहता है, तो प्लिंथ लेवल लगभग हम 3.5 फीट तो रेगुलर लेते हैं, या 3 फीट लेते हैं, या उससे थोड़ी बहुत कम भी ले सकते हैं, या तो ज़्यादा लेते हैं। लेकिन प्लिंथ लेवल से हम ऊपर उठाते हैं तो देखिए जैसे जैसे ये ऊपर चल जाएगी तो ये स्टेप जो है हमारी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल जो स्टेप्स है हमारी 9 है, तो ये लगभग 63 इंच जो है हमारा 9 इंच, तो 7-7 इंच का हमारा राइजर है, तो ये लगभग 63 इंच जो है ऊपर चल जाएगी हमारी लैंडिंग इस लेवल से, इस वरांडे के लेवल से, मतलब बहुत काफ़ी ऊपर चल जाएगी। उसके बाद में हमारा जो प्लिंथ रहेगा उसका हाइट जो है हमको प्लस करना पड़ेगा। अगर आपका प्लिंथ लेवल जो है 3 फीट का है तो ये 3 और ये 63 इंच, मतलब लगभग यहाँ से आप देख सकते हैं ये हम जो है इस वरांडे से लगभग 5 फीट की हाइट पर ऊपर चल जाएंगे, 5.25 फीट की, ठीक है, 5.25 फीट, मतलब लगभग 5 फीट 3 इंच, मतलब ये जो लैंडिंग रहेगी हमारी इस लेवल से, इस वरांडे के लेवल से 5 फीट 3 इंच ऊपर रहेगी। उसके बाद में हमारा जो वरांडा है वो उसका हाइट जो है हमारा 3 फीट है, तो ये 3 फीट और ये 5 फीट,
लगभग 8 फीट पे, ठीक है। ये लैंडिंग जो है हमारी 8 फीट रहेगी, और उसके बाद में यहाँ से फिर से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है 10-10 इंच की, और हाइट 7-7 इंच लेंगे। तो यहाँ से ये जो है लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें पूरी ये लगभग 6 फीट बाय 3 फीट का जो हमारा लैंडिंग है वो हमारा 8 फीट पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद में फिर से ये स्टेयर्स ऊपर चल जा रही है, तो इससे 8 फीट के ऊपर ऊपर चल जा रही है, ठीक है। मतलब 7-7 इंच और भी बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम स्लैब लेवल में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से ये जो हाइट है हमारा ये 8 फीट आ रहा है, मतलब हम कार जो है लगभग यहाँ तक आराम से पार्क कर सकते हैं, और इसके नीचे भी लगभग पार्क कार हम पार्क कर सकते हैं अगर आपकी प्लिंथ ज़्यादा है तो। मतलब यहाँ पर हमने 3 फीट पकड़ ली, अगर 4 फीट है तो कार जो है हमारी यहाँ तक पार्क हो सकती है, क्योंकि ये जो है देखिए वरांडे की लेवल जो है, वरांडे की लेवल जितनी ऊपर आएगी, मतलब प्लिंथ लेवल हमारी जितनी हाइट ज़्यादा रहेगी वहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है, और उसके बाद में ये 5 फीट ऊपर चल जाती है, ठीक है। तो इसके नीचे तक यहाँ तक भी कार पार्क कर सकते हैं, तो ये आपके प्लिंथ लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक, यहाँ तो जो है हमने रेगुलर हाइट लिया है प्लिंथ का 3 फीट या 2.5 फीट, आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद में हमारी कार जो है यहाँ तक पार्क कर सकते हैं। मतलब इसका आपको बताने का मतलब ये था कि हमको पार्किंग के लिए यहाँ से ये जो है स्टेप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से 13 फीट 9 इंच की जगह मिलती है, मतलब कार जो है हमारी इस स्टेयरकेस के नीचे तक जाएगी। अगर प्लिंथ की हाइट आपकी ज़्यादा है तो इसके नीचे तक भी, मतलब यहाँ तक भी कार पार्क कर सकते हैं, यहाँ पर बाइक वगैरह पार्क करेंगे। उसके बाद में हम लिविंग रूम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 4 फीट का बड़ा सा डोर लगा सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर और यहाँ पर एक छोटी छोटी विंडो भी अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं। यहाँ से एंट्री करेंगे हमारे लिविंग रूम में, 12 फीट बाय 14 फीट का लिविंग रूम का साइज मिल रहा है हमें, मतलब 12 फीट बाय 14 फीट का, और यहाँ पर एक बड़ा सा 6 फीट बाय 5 फीट का या 6 फीट बाय 4 फीट का हम विंडो लगा सकते हैं। उसके बाद में इस साइड में हमने टॉयलेट और बाथरूम दिया है, ताकि लिविंग रूम में जो भी गेस्ट रहेंगे उनको अंदर तक जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर टॉयलेट बाथरूम यूज़ करना है तो लिविंग रूम से हम डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर लेंगे, हमको किसी की भी प्राइवेसी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बेडरूम पीछे है, ये बेडरूम भी पीछे है और किचन भी पीछे रहेगा, ठीक है। तो ये टॉयलेट बाथरूम इसके हिसाब से हमने दिया है, ताकि हर सेंटर में लिया है, ताकि हर जगह से ये यूज़ करने के लिए बहुत ही आसान हो, मतलब बेडरूम से भी, इस बेडरूम से भी और किचन से भी, ठीक है। तो देखिए 4 फीट बाय 3 फीट का हमारा रेगुलर साइज दिया गया है टॉयलेट का, और बाथरूम का 4 फीट 2 इंच बाय 7 फीट का। इन दोनों को वेंटिलेशन के लिए पीछे साइड में एक बड़ा सा डक्ट रखा गया है, ये जो डक्ट है बड़ा सा रखा गया है, ताकि इसके जो आउटलेट्स वगैरह जो पाइपलाइंस रहेंगे टॉयलेट बाथरूम के, उनमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ये इस डक्ट में हम एक आदमी उतर के, नीचे उतर के ये पूरा इसका काम जो है, जो भी कुछ प्रॉब्लम आता है वो ठीक कर सके, इसलिए यहाँ पर हमने बड़ा सा डक्ट दिया है, ठीक है। तो ये जो डक्ट है, अगर आप एक आदमी अगर इसमें उतर सके और आराम से काम कर सके, इस टाइप में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद में इस साइड में आते हैं, देखिए फ्रंट में यहाँ पर हमने किचन दिया है। अब किचन के लिए यहाँ पर हम डोर नहीं लगाते हैं, यहाँ पर पूरा आँच रहता है, मतलब कमान रहती है, इसे कमान भी कह सकते हैं, आर्च भी कह सकते हैं। तो किचन का साइज मिलता है हमें लगभग लगभग 12 फीट 5 इंच बाय 10 फीट 9 इंच की, ठीक है। मतलब 12 फीट 5 इंच बाय 10 फीट 9 इंच का काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा साइज मिलता है। और किचन को एक बड़ा सा विंडो हमने यहाँ पर दिया है, इसमें एक देखिए यहाँ पर एक विंडो दिया है और यहाँ पर एक विंडो दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड लाइन में, आप रेड लाइन दिख रही है, यहाँ पर हम डोर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने गलती से यहाँ पर डोर नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पर हमें डोर लगाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर डोर दिया ही है, लेकिन यहाँ पे ये हाइड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डोर है, तो इस डोर से हम इस वाशेरिया को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने विंडो और यहाँ पर विंडो दिया है, दो विंडोज़ की वजह से किचन को काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा वेंटिलेशन मिलता है। इसमें एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक डोर भी लगा देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है, और बहुत जगह पर आप देखते हैं कि लिविंग रूम का डोर अलग रहता है और किचन का एक डोर रहता है। तो ये जो डोर रहेगा यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं और अंदर आ सकते हैं किचन से, अगर आपको फ्रंट साइड से डायरेक्टली बाहर निकलना है तो। लेकिन यहाँ पर हमने तो ऑलरेडी एक डोर दिया है, तो यहाँ से भी हम बाहर निकल सकते हैं, यहाँ से इस वाचेरिया पर आ जाएंगे, यहाँ से स्टेप उतर के नीचे आ जाएंगे, और इस लैंडिंग के नीचे से हम बाहर भी निकल सकते हैं। लेकिन ये डोर क्लोज करना है तो यहाँ पर भी डोर लगा सकते हैं, तो ये डोर आसान रहेगा, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, और स्टेयरकेस भी हम यहाँ से यूज़ करेंगे, बहुत नज़दीक होगा। मतलब हमारे अंदर की फैमिली को जो है यहाँ पर लिविंग रूम में आने के बाद यहाँ पर बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक डोर ओपन करेंगे और यहाँ से डायरेक्टली स्टेयर केस यूज़ करेंगे, मतलब ऊपर की मंजिल पर चले जाएंगे।
तो आशा करता हूँ कि किचन जो है आपको समझ में आया है। अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। देखिए यहाँ पर हमने एक बेडरूम दिया है 11 फीट बाय 10 फीट का। इस बेडरूम का साइज़ है मतलब 11 फीट बाय 10 फीट 8 इंच का। और ये जो बेडरूम है इस बेडरूम को पीछे की साइड में एक विंडो दिया है बड़ा सा लगभग 6 फीट बाय 4 फीट का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 3 फीट की जगह छोड़ी है ये वॉल कंपाउंड पकड़ के, और अंदर अंदर जो है 2 फीट 7 इंच की जगह मिलती है। तो ये जो जगह है यहाँ पे ओपन टू स्काई रहेगा, मतलब ओपन डक्ट रहेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर भी हम क्रॉस कर देंगे, मतलब यहाँ पर हम छत नहीं डालेंगे, लेकिन ग्राउंड फ्लोर की जगह जो है पूरी यूज़ करेंगे यहाँ पर गैलरी। मतलब बेडरूम से हम डायरेक्टली यहाँ पर भी आ सकते हैं और ये जगह यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ पर हम ऊपर स्लैब नहीं डालेंगे, मतलब फर्स्ट फ्लोर का स्लैब नहीं डालेंगे, ताकि वेंटिलेशन का कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि इस साइड में हमारा जगह नहीं है और इस साइड में भी हमारा जगह नहीं है, इसलिए हमें वेंटिलेशन के लिए ये ओपन टू स्काई रखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम छत नहीं डालेंगे, ताकि इस बेडरूम में काफ़ी बढ़िया सा वेंटिलेशन मिल सके। और ये जो है ये ओपन टू स्काई रहेगा, तो इससे इस टॉयलेट को भी वेंटिलेशन मिलेगा। यहाँ पर हमने इसको वेंटिलेटर दिया है। तो बेडरूम का साइज यहाँ पर है, डोर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में फिर से यहाँ पर आते हैं। देखिए लिविंग रूम से हम डायरेक्टली इस बेडरूम में भी आ सकते हैं, इस किचन में भी आ सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम भी यूज़ कर सकते हैं। किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती नहीं है, मतलब किसी को भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने मास्टर बेडरूम दिया है लास्ट में, आप देख सकते हैं 9 फीट 5 इंच बाय 10 फीट 2 इंच का इस मास्टर बेडरूम का साइज दिया गया है, 9 फीट 5 इंच बाय 10 फीट 2 इंच का। तो यहाँ पर 4 फीट बाय 6 फीट का एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है, और यहाँ पर एक छोटा सा ये बेडरूम दिया है। इस बेडरूम को बड़ा सा विंडो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल सकता है। तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट हम और भी कर सकते हैं। अगर ये अटैच टॉयलेट बाथरूम आपको इस रूम में ना देकर इस रूम को देना है, तो यहाँ पर हम डोर डाल देंगे और इस साइड से हम क्लोज करेंगे, तो अंदर से इस बेडरूम से भी यह अटैच टॉयलेट बाथरूम हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप में आप देख सकते हैं 30 फीट बाय 40 फीट का पूरा प्लॉट का साइज था, मतलब टोटल जो स्क्वायर फुट है आता है पूरा प्लॉट का वो है 1200 स्क्वायर फुट का, 1200 स्क्वायर फुट, जिसमें 2 BHK प्लान हमने बिठाया है विद कार पार्किंग और स्टेयर के बाहर से दिया है, ताकि ऊपर का फ्लोर अगर आपको चाहे तो ये सेम प्लान ऊपर के मंजिल पर हम रिपीट कर सकते हैं, या तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं अगर आपको रेंट के हिसाब से देना है तो। रेंट के हिसाब से देना है तो उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए ग्राउंड फ्लोर से हम एंट्री करेंगे फर्स्ट फ्लोर पर। अब फर्स्ट फ्लोर का प्लान मैं आपको समझाऊंगा, ये तो ग्राउंड फ्लोर का हमने समझा दिया। अब फर्स्ट फ्लोर पर अगर आपको रेंट के हिसाब से बनाना है तो ग्राउंड फ्लोर से हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी इस पोर्च पर। उसके बाद में यहाँ पर हम किचन यूज़ करेंगे, तो इस किचन को हम लिविंग रूम मतलब एक फैमिली के यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वॉल जो है क्लोज कर देंगे, ये भी डोर क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको किचन को हॉल बना देंगे एक फैमिली के लिए। उसके बाद में ये बेडरूम बना देंगे और इसको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम बना देंगे, ठीक है। मतलब ये वन हॉल, एक मतलब ये हॉल या किचन भी रख सकते हैं, और यहाँ पर हम बेडरूम बना सकते हैं और इसको अटैच टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं, या तो इसको किचन और इसको हॉल बना सकते हैं या रूम बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसा यूज़ करना है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी फैमिली यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर उसका डोर रहेगा, यहाँ से एंट्री करेंगे हॉल में, यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम, यहाँ पर बेडरूम, ठीक है। मतलब ये जो है इनको थोड़ा सा बड़ा एरिया मिलेगा और इनको थोड़ा सा छोटा एरिया मिलेगा। दो फैमिली रह सकती है, वन आर के, मतलब एक रूम एक किचन, एक रूम एक किचन। तो आशा करता हूँ कि प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद आया है। अगर आपको प्लान पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का कुछ फायदा हो सकता है, किसी को कुछ आइडिया आ सकती है, या ये प्लान किसी के काम आ सकता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।